अरे मैंने सुना है हिंदी का टीचर चेंज हो गया, कोई नया टीचर आ रहा है अपने को सिखाने को। आने देना फिर, वो शर्मा सर को कैसे भगाया, वैसे इसको भी भगा देंगे। वैसे भी अपन किसको छोड़ते हैं। अरे लेकिन मैंने सुना है कि वो टीचर बहुत स्ट्रिक्ट है। हाँ तो रहने देना। अरे ये पापा हल्के में मत ले, पिछले बार मालूम है ना पापा को पता चला तो क्या हुआ था। देख पर मैं नहीं। मैं तुम्हारी हिंदी की नई अध्यापिका हूं। अरे पाउडर पाउडर पाउडर। पाउडर क्यों लगा रहे हैं? तुमने क्यों नहीं लगाया पाउडर? अरे टीचर मैं आपको देख के ही फ्रेश हो गया। हाँ चलो चलो चलो। अरे अरे मेरा मतलब है आगे बढ़ते हैं। हाँ चलो चलो आगे बढ़ो। अरे मेरा मतलब है कि पढ़ते हैं। हाँ पढ़ते पढ़ते पढ़ते। एक काम करो, अपनी अपनी पाठ्य पुस्तकें निकालो। ये बच्चे भी ना, ये क्या लिखा है? सबका बदला लेगा तेरा फैजल। ये क्या लिख के रखते हो तुम लोग? टीचर आपसे एक बात बोलनी थी। बोलो। हाँ बोलो। मतलब आपने टीचर लगते ही नहीं हो, वैसे हमारी बिरादरी के लगते हो, वैसे यंग डायनेमिक एनर्जेटिक। हाँ ना टीचर, नहीं तो वो पहले के हमारे वो शर्मा सर टीचर का हम फटीचर ज्यादा लगते थे। अरे हंसो। अच्छा जिस शर्मा सर, मतलब शर्मा सर की तुम जो बातें कर रहे हो ना, मैं उन्हीं की धर्म पत्नी हूं। क्या बात कर रही हो टीचर? लेकिन सर ने तो हमें बताया वो कुंवारे हैं। हाँ टीचर, और उन्होंने क्लासेस की सारी मैम को बता के रखा है, मैं कुंवारा हूँ, मैं कुंवारा हूँ, मैं कुंवारा हूँ। और उन्होंने मुझे भी बोला, आई एम सिंगल, सिंगल इज मिंगल, जिंगल जिंगल, वेंट अप टू द हिल, फेच अप टू द वाटर। ज्यादा हो गया। ठीक है ठीक है ठीक है। वैसे आज मेरा पहला दिन है तो मुझे तुम लोग के नाम भी नहीं पता। एक काम करते हैं, एक एक करके अपना इंट्रोडक्शन दे दो। ठीक, कौन स्टार्ट करेगा? तुम बता। हेलो, माय नेम इज राहुल मल्होत्रा एंड आई एम 17 इयर्स ओल्ड। हेलो, माय नेम इज आल्सो राहुल, बट सरनेम अलग है, खन्ना। दिस इज राहुल, राहुल कपूर। अच्छा तुम भी बता ही दो। अपुन। राहुल, राहुल गायतोंडे। बैठ जाओ। लड़की का नाम भी राहुल होता है, अजीब है नहीं? अरे तुम्हारी बाजू वाली सीट खाली क्यों है? अरे वो रुको 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 रुको, देर से क्यों आई हो तुम? सॉरी टीचर, मैं सिलपाटा से आती हूँ ना, बहुत ट्रैफिक होता है तो मुझे पाइपलाइन से चलते आना पड़ता है, ऐसे बुक बैलेंस करते करते। अच्छा अच्छा ठीक है, बैठो यहीं पर। नहीं नहीं मैं तो लास्ट बेंच पे बैठूंगी। मैं तो हर टीचर को इंसिस्ट ही करती हूँ कि टीचर मुझे लास्ट बेंच ही दो, जैसे कोई लास्ट बेंच लेना नहीं चाहता, लेकिन मैं हमेशा लास्ट बेंच पे ही बैठना चाहती हूँ। अब तो मैं क्लास में आ चुकी हूँ, अब तो मुझे घूरना छोड़ दो, इतने भी सुंदर नहीं हूँ मैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे एक नया पार्ट जिसका नाम है गोवा जैसे मैंने देखा। हाँ गोया गोया, मेरे को बहुत पसंद है गोया। तो बताओ मुझे, तुम लोग कभी बीच पे गए हो? अरे टीचर वो तो मेरी बचपन से आदत है बीच में जाने की। अच्छा। वो कभी दोस्तों के बीच में जाता हूँ मैं, और अनजान लोग मिले तो उनके भी बीच में जाता हूँ, मतलब मेरा स्वभाव कैसा मनमेड़ा हुआ है ना। कभी झगड़ा हो रहा है तो उनके बीच में जाके हाथ सफाई भी कर लेता हूँ। और
वो बीच में टांगा रहने की तो मेरी हॉबी है। ये क्या बोल रहे हो तुम? किसने सिखाया तुम्हें ये सब? शर्मा सर। अच्छा अच्छा ठीक है, आगे बढ़ते। यहाँ सी फूड की अधिकता होने के कारण शाकाहारी पर्यटकों को सुस्वादु भोजन की समस्या से भी दो चार होना पड़ता है। कौन बताएगा मुझे दो चार होने का मतलब? राहुल तुम बताओ। दो चार होने का मतलब? अरे मतलब राहुल खन्ना, बैठ जाओ। तुम जब लोग गोवा से घूम कर आते हैं और फिर एक साल बाद वो दो के चार हो जाते हैं, 1-2-4, उसे हम दो चार होना कहते हैं। फैमिली प्लानिंग। क्या जवाब है? कौन सिखाता है तुम लोग को ये सब? शर्मा सर। बैठो। अच्छा राहुल, राहुल कपूर तुम बताओ, सागर का जल यानी सागर का पानी इतना खारा क्यों होता है? सागर का पानी, ये सागर का नंबर है क्या तेरे पास? टीचर उसको पूछ के बताता हूँ। क्या? बैठो नीचे। क्या ये भी अब तुम्हें शर्मा सर ने सिखाया है? ये हमारा खुद का है टीचर। हर बार क्या शर्मा सर हम लोगों को पंचेस नहीं देते, हम लोग भी डालते हैं खुद कुछ हमारे पंचेस। निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ बताकर उनका वाक्यों में प्रयोग कीजिए। कौन बताएगा? राहुल मल्होत्रा तुम बताओ। पहला मुहावरा है अपना उल्लू सीधा करना। टीचर मैं नहीं बता पाऊंगा। क्यों? मैं नहीं बता सकता टीचर इसका मतलब। आई एम सॉरी टीचर। और कौन बताएगा? राहुल खन्ना तुम बताओ। हाँ टीचर, वो ऑटो रोटेट करना, मतलब जब हम उल्लू टीवी देखते हैं वो फुल स्क्रीन करके देखते हैं ना, ऑटो रोटेट, मतलब मैंने मोबाइल देखते वक्त अपना उल्लू सीधा किया। हाँ क्या बता रहे हो ये तुम लोग? कैसे जवाब है ये? कुछ भी। दूसरा मुहावरा है नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। अरे टीचर ऐसे नहीं होता, वो ऐसे होता है नाचने का पैसा लेगा क्या? ऐसा नहीं तो वैसा लेगा क्या? सबको नचा, इसको उसको, नाचने का नहीं ये तो खिसको खिसको, घूम घूम के हो गए ले जैंगो, परत नहीं पता गर गरबा कर टैंगो, नाचने का पैसा लेगा क्या? ऐसे होता है। एक बात बता मुझे, तुम लोगों को पढ़ना है कि नहीं? नहीं। अरे सुनना, ये मनीषा का पहला है कि दूसरा है? पहला ही है। अरे मुझे तो लगता है दूसरा है। अरे नहीं रे बाबा, पहला है। अरे मेरे को मालूम है ना दूसरा है। ए मेरे को मालूम है ना, मनीषा का दूसरा है। देख। अरे बाबा पहला है। नहीं रे, मनीषा का तीसरा है। कल मिली थी मुझे, उसके पहले और दूसरे के बारे में सब कुछ बताया, अभी तीसरा है। तीसरा है मतलब? टीचर ये क्या बोल रहे हो आप? हम लोग तो मनीषा का नी का पहला वेलांटी है कि दूसरा वेलांटी उसका बोल रहे थे। और ये आप क्या बोल रहे हो, हम लोग तो सीरियसली पढ़ाई कर रहे थे। हाँ टीचर। ए चल टीचर कुछ भी पढ़ा रही है, अपन कंप्लेंट करते हैं। हम जा रहे हैं कंप्लेंट करने के लिए। चलो 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 चलो। मैं कुछ और पढ़ाती हूँ, दूसरा कुछ पढ़ते हैं हम लोग। बैठो बैठो। आप लोगों को शर्मा सर ने दोहे तो पढ़ाए ही होंगे ना? हाँ हाँ कौन बताएगा? आप बताओ। शिव सुंदर दास के दोहे। टीचर वो शिव सुंदर दास के दोहे के बारे में तो पता नहीं, लेकिन मैंने अपने दोहे बाबा मैंने। ऐसा अच्छा थोड़ी लगता है कि तुम पहनो और तुम्हारे कोई और धोए। हमारे घर पे तो यही रूल है कि जो पहनता है वही अपने अपने धोए,
तुम लोग भी अपने अपने धोने का। गाय टोंडे तुम बताओ, कबीर के दोहे। बेखयाली में भी तेरा ही ख्याल आए, क्यों भी चढ़ना है जरूरी ये सवार आए। ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग जिनहरा, ये चील से चीली आंखें, कोई राज है इसमें गहरा। तारीफ कर क्या उसकी जिसने तुम्हें बना। अरे तुम लोग बिना मुझे ऐसे करा के खुद चुप हो गए। टीचर ये क्या चालू है आपका, क्या पढ़ा रहे हो आप ये? हाँ ना, कबीर के दोहे पढ़ रहे थे हम लोग, आप तो सीधा डांस करने लगे, ऐसा थोड़ी होता है। आना टीचर, ये गलत है टीचर, हम लोग जा रहे हैं आपका कमरे। चलो 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 टीचर ना, चलो चलो। अरे अरे आगे भी ऐसे क्लासरूम की सीरीज आते रहेंगे, मतलब हम लोग हर लेक्चर के ऊपर ऐसा एक वीडियो बनाते जाएंगे। तो अगर आपको लगता है कि आपके कुछ फनी इंसिडेंट्स है तो उसको कमेंट में मेंशन करो, हम लोग उसको वीडियो में लेने का ट्राई करेंगे। और रेडी रहो, वीडियोस आएंगे, अभी धड़ाधड़ वीडियोस आएंगे, अभी फिर से शूट शुरू हो गया तो रेगुलरली वीडियोस आते रहेंगे। और हाँ, हम लोग का और एक चैनल है ऑल इज वेल जो बहुत ही जल्द आ जाएगा, तो उसमें भी प्यार दिखाना, सब्सक्राइब कर देना, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में। वहाँ पे तो यहाँ पे तो हम लोग थोड़ा एक्टिंग वगैरह कर लेते हैं, लेकिन वहाँ पे हम लोग एकदम नेचुरली मजा करेंगे, मस्ती एकदम मजा आ जाएगा। तो वहाँ पे भी आ जाओ फटाफट। यस, और गाइस हम लोगों का और एक चैनल है जिसका नाम है किड्स क्रेडिबल, और Kids. वो छोटे बच्चे लोगों का चैनल है, और उसमें से आज सानवी हम लोग के साथ है, जो आज बिहाइंड द कैमरा सब हैंडल कर रही थी, प्रोडक्शन मैनेज कर रही थी। तो ऐसा है अभी, तो इनके चैनल को भी सब्सक्राइब करो। यस, वहाँ पे भी प्यार दिखाओ, यहाँ पे भी प्यार दिखाओ, बच्चा मत बोलना पे तो आपका प्यार है ही। और लास्ट इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, लिंक सबके लिंक डिस्क्रिप्शन में, प्यार बरसा दो गाइस। बस आपका ही प्यार चाहिए, और आपको तो पता है बारिश का मौसम चल रहा है, तो चाय से बेटर और क्या हो सकता है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।